हेलो दोस्तों, मैं नवरत्न बैरवा आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम आज करेंगे टेंस। और दोस्तों, इसमें हम करेंगे या सीखेंगे हिंदी में। दोस्तों, RNV स्टडी टाइम हमारा चैनल है। दोस्तों, हमारा नया नया चैनल है, तो इसे वीडियोस को शेयर करने में, लाइक करने में हमारी हेल्प करें और सहयोग दें। और बाकी सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ ही आज हमारा पहला वीडियो, जिसमें स्टार्ट करते हैं टेंस। दोस्तों, टेंस का मतलब काल होता है, यानी कि कार्य किस काल में हुआ है, और टाइम का मतलब समय होता है, यानी कि किस समय और किस काल में हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब दोस्तों, टेंस के तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के अंदर किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है, तथा लंबे समय से होता हो रहा है का ज्ञान कराने वाले वाक्यों में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम देखेंगे, जिसमें पहला देखते हैं हम, राम जयपुर जाता है। दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है, राम जयपुर जा रहा है। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका वाक्य होगा यानी कि सेंटेंस होगा इंग्लिश में, राम गोइंग टू जयपुर। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, राम जयपुर पहुंच चुका है। दोस्तों, ये सेंटेंस होगा हमारा पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों, इसका जो इंग्लिश में बनेगा हमारा, राम है अराइव्ड जयपुर। दोस्तों, चौथा जो वाक्य या सेंटेंस हमने लिया है, वो है राम 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा है, यानी कि राम 1 घंटे से पुस्तक ओनली पढ़ ही रहा अभी तक। तो दोस्तों, ये हमारा फोर्थ टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें आएगा राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर। दोस्तों, उसी तरह सेम पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चार पार्ट होते हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस के अंदर किसी भूतकाल की घटना या पीछे कोई घटित हुई घटना, उसके बारे में बताया जाता है, या उस उन वाक्यों में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो चुका था, हो गया था, या एक लंबे समय से हो रहा था, ऐसे ज्ञान कराने वाले वाक्यों में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस पास्ट टेंस के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम पत्र लिखता था, या राम ने पत्र लिखा। दोस्तों, ये पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस है, जिसमें सेंटेंस होगा राम रोट ए लेटर। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, राम पत्र लिख रहा था, और इंग्लिश में होगा राम वाज राइटिंग ए लेटर। उसी तरह दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें हमारा सेंटेंस राम पत्र लिख चुका था, यानी कि राम ने काम पूरा कर लिया था उस टाइम पे, राम पत्र लिख चुका था, तो इसका सेंटेंस होगा राम हैड रिटन ए लेटर। उसी तरह दोस्तों, पास्ट टेंस का चौथा सेंटेंस जो है, वो है राम 4 दिनों से पत्र लिख रहा था, यानी किसका टेंस, कौन से टेंस का वाक्य,
प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका सेंटेंस होगा राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 4 डेज, यानी कि वह 4 दिनों से लगातार लिख ही रहा था ओनली लेटर। ओके दोस्तों, तो आगे है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। दोस्तों उसी तरह सेम दोनों टेंस की तरह इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है फ्यूचर टेंस, सेकंड इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों फ्यूचर टेंस में किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में या सेंटेंसेज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं किसी कार्य के भविष्य में होने या करने, हो रहा होगा, होता रहेगा, हो चुका होगा, हो गया होगा, तथा एक निश्चित समय से होता रहा होगा के बारे में पता चलता है, उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें है मैं खेलूंगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है, जिसको हम बनाएंगे तो ये होगा आई शैल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा। एंड सेकेंड जो सेंटेंस हमने लिया वो है मैं खेलता रहूंगा, यानी कि मैं खेलता ही रहूंगा लगातार। तो दोस्तों ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसमें इसको बनाएंगे तो आएगा आई शैल बी प्लेइंग। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा हमारा वो है मैं खेल चुकूंगा, यानी कि भविष्य में मैं ऐसा कोई टाइम आएगा जब खेल के हट जाऊंगा। तो यानी कि जो वो है हमारा सेंटेंस आई शैल हैव प्लेड। उसी तरह दोस्तों हमारा लास्ट जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वो हमारा होगा मैं खेल रहा होऊंगा, तो इसे हम बनाएंगे आई शैल हैव बीन प्लेइंग। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और दोस्तों हमारा पहला वीडियो है तो थोड़ा ध्यान रखें, और कुछ भी कमी हो तो हमें आगे बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन या फिर लर्निंग प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।